Dear students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Continuing in the series of Anandam, I am going to discuss on the topic Environment and Human Health. Environment is known as the surrounding in which a person, animal or plant lives. Yani paryavaran hamare charo taraf ki wajah ke hai, jisme hum pashu pakshi, paudhe aur janwar rehte hain. आज मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों को बढ़ाकर प्रकृति में असंतुलन किया है, जिससे प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हुई है और जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है. हाउ द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ. ह्यूमंस इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली. दीज इंटरैक्शंस अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ लिव्ड एंड हेल्थ डिस्पैरिटीज. एनवायरमेंटल हजार्ड्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, heart disease, asthma and many other illnesses. These hazards can be physical such as pollution, toxic chemicals and food contaminants, or they can be social such as dangerous work, poor housing condition and poverty. बच्चों बहुत ही तरह के pollutions हो चुके हैं, उसमें है air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. सबसे पहले अगर हम बात करें air pollution की, तो आपको पता है आजकल vehicles बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज से भी बहुत धुआं उठ रहा है और उससे वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है. स्वचालित वाहनों की उपयोगिता और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है. कार, स्कूटर, बस, ट्रक आदि आंतरिक दहन इंजन से चालित वाहन ईंधन के दहन के कारण कई हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे गंधहीन, अत्यधिक जहरीली और कैंसर का कारण माने जाने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन गैसें और नाइट्रस ऑक्साइड. पेट्रोल चलित वाहन सीसे की भी बड़ी मात्रा उत्सर्जित करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस है. हालांकि अब सीसा रहित पेट्रोल भी उपलब्ध है, किंतु विकसित देशों में सीसा रहित पेट्रोल की क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें बेंजीन और जाइलिन आदि हाइड्रोकार्बन मिलाए जाते हैं, जो कि कैंसर की एक मुख्य वजह है. वायु के प्रदूषण में इससे भी अधिक योगदान उन इंडस्ट्रीज ने किया है जो कि कोयले की ऊर्जा से संचालित हैं. विभिन्न उद्योग उत्पादन की प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, जो वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से मिलकर गंधक तेजाब, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं. नाइट्रिक अम्ल और गंधक के अम्ल का वर्षा के पानी में घुलकर बरसना ही अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन है, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है. एज द वर्ल्ड गेट्स हॉटर एंड मोर क्राउडेड, द एयर वी ब्रीथ इज ग्रोइंग डेंजरसली पॉल्यूटेड ड्यू टू द इमिशन ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. यू विल सरप्राइज टू नो दैट 9 out of 10 पीपल नाउ ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर, विच किल्स 7 million people every year. The health effects of air pollution are very serious. 1/3 of the deaths from the stroke, lung cancer and heart diseases are due to the air pollution. The next type of pollution is the water pollution. आपको पता है कि water pollution की main वजह क्या है, कि हम हमारे जो भी waste होते हैं human beings वो पानी में डाल देते हैं. इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी अपने वेस्ट को पानी में डाल देती है. इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पर वो अपने वेस्ट को वहाँ पर जो भी नदी नाले हैं उसमें डाल देते हैं. उससे क्या होता है कि उसमें फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है, और जब आसपास रहने वाले लोग उस पानी का उपयोग करते हैं तो उनको फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है. इन विच एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन of bones and teeth take place. So infectious diseases can be spread through contaminated water. Some of these waterborne diseases are typhoid, cholera, fever, dysentery, jaundice, ambiasis, malaria. Chemicals in the water also have negative effects on our health. Next type of pollution is the soil pollution. आप देखिए कि DDT इज़ अ वेरी इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत ही
प्रभावशाली कीटनाशक है, लेकिन मिट्टी में लंबे समय तक बना रहता है और अपने जो फूड चेन है, जो भोजन चक्र है, उसको ये विषाक्त कर देता है। DDT के इस हानिकर प्रभाव के कारण विकसित राष्ट्रों में इसके ऊपर प्रतिबंध है। इसी प्रकार भारतीय कृषक जो कृषक हैं, किसान हैं, वो एल्ड्रिन डाई एल्ड्रिन हेप्टाफ्लोर और BHC जैसे कीटनाशकों का बेधड़क प्रयोग करते हैं। ये ऐसे कार्बनिक क्लोरीन कीटनाशक हैं जिन्हें जीव और वनस्पति सुगमता से अवशोषित कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ वहाँ जो भी कचरा होता है वो सारा मिट्टी में जमीन पर डाल दिया जाता है, जिससे चारों तरफ गंदगी फैलती है। तरह तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जानवर होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और यही जो इंसेक्ट होते हैं वो विभिन्न तरह की बीमारियों के वाहक होते हैं, और उसी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। सॉइल पॉल्यूशन इज रियली वेरी सीरियस, बट नॉट जस्ट टू द अर्थ, टू पीपल टू। सॉइल पॉल्यूशन कैन कॉज मैनी थिंग्स टू द ह्यूमन बॉडीज। पीपल कैन बी एक्सपोज टू टॉक्सिक वेस्ट एंड केमिकल। सॉइल पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाई डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट। लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स कैन इंक्लूड क्रोनिक रेस्पायरेटरी डिजीज, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज एंड इवन ब्रेन डैमेज। आप देखते होंगे कि आजकल प्लास्टिक का भी कितना उपयोग हो रहा है ना। प्लास्टिक की क्या खास बात है कि उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और इसी वजह से वो पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत ही गंभीर कारक माना गया है। चाहे गांव हो, चाहे महानगर हो, चाहे कोई तीर्थ स्थान हो, चाहे पर्यटन स्थल हो, पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक की खाली बोतलें अब विश्व के हर शहरी और ग्रामीण का प्रदेश का हिस्सा बनकर पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा रही है। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग सरल नहीं है। प्लास्टिक में हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, इसके अलावा और भी बहुत तरह के प्लास्टिक्स हम यूज कर रहे हैं, और उससे बहुत ही ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, और वो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डाला है। इसके अलावा जो आखिरी तरह का प्रदूषण जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो है नॉइस पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि का प्रदूषण। आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हर जगह शोर हो रहा है, व्हीकल्स का शोर हो रहा है, और भी शोर हो रहा है, डिफरेंट डेक्स वगैरह जो चलाते हैं उसका भी शोर हो रहा है, और इससे हमारी सुनने की क्षमता पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इट कॉजेज इज नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। एक्सपोजर टू लाउड नॉइस कैन ऑल्सो कॉज हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड स्ट्रेस। दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स, स्पेशली द चिल्ड्रन, है ना। आप ये देखेंगे क्या होता है, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक आदि अनेकों वाहन सामूहिक रूप से लगभग 90 डेसिबल्स का शोर पैदा करते हैं। ये शोर मनुष्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, जिससे श्रवण शक्ति का ह्रास होने के साथ साथ चिड़चिड़ापन और अवसाद भी जन्म लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन सबसे अपने आप को बचाना है, प्रदूषण से अपने आप को बचाना है, ताकि हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेक ऑल द मेजर्स टू कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सो दैट ऑल ह्यूमन बींग्स एंड द फ्लोरा एंड फोना अराउंड अस कैन लीड अ हेल्दी लाइफ। आखिरी में मैं बच्चों यही कोटेशन आपको कहना चाहूँगी, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट द पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन, यानी कि समाधान का हिस्सा बनिए और प्रदूषण का हिस्सा नहीं बनिए। तो बच्चों आखिरी में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने चारों तरफ अच्छे से सफाई रखें, सारी बातों पे ध्यान दें, ताकि प्रदूषण से हम बचें, जिससे हम हमारे आसपास के पशु पक्षी, पौधे, दूसरे जानवर और आने वाली सभी पीढ़ी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।